आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज किया है कि वो आए हम मऊ सदर से चुनाव लड़ के दिखाएं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी उनका देखा हूँ, वीडियो सुना हूँ और बड़ा ही गौर से मैं सुन रहा था उनका वीडियो। वो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में उनको पता नहीं है। वही मुख्यमंत्री जी हैं अभी आज भी और वही कल भी रहेंगे। ये भ्रम दिमाग से निकाल दें। पंजाब से आने में इनके बाप की फट्टी थी। अगर मुख्यमंत्री जी को इतना कमजोर समझे तो क्यों उनके बाप की फट्टी थी मऊ में आने के लिए? और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात छोड़ दे भी, मऊ का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका जवाब देने के लिए तैयार है। अब मऊ बदल चुका है और उत्तर प्रदेश बदल चुका है। मऊ की जनता बदलाव चाहती है, भ्रम में न रहे। अगर बहुत उनके अंदर दम है, इतना शेर बनते हैं, तो आए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गाजीपुर तिराहे पर भी चौराहे पर भी सोने के लिए तैयार है। तुम्हारी भी माँ दूध पिलाई हो तो आकर के चौराहे पर सो, अगर शेर का बच्चा हो तो। तब न पता लगेगा कि कौन शेर है कौन गीदड़ है। संगीन के साय में रहने वाले तुम क्या मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर सकते हो? तुम्हारी औकात नहीं है। औकात में रह के बात किया करो। आने वाले समय में जनता इस बार तुमको बताएगी और तुमको जवाब देगी इसके लिए। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश को भी इसका जवाब करारा मिलेगा कि ऐसे गुंडे मवालियों को पनाह दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम ऐसे छवि के लोगों को टिकट नहीं देंगे, दूसरी तरफ ऐसे छवि वालों को जो है टिकट दे करके और अपने समाजवादी कार्यालय में ऐसे भड़काऊ बयान दिलवा रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं।